बढ़ती कीमतों के खिलाफ यूथ कांग्रेस का मुंबई में आंदोलन, मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल पर वसूल रही 200 गुना टैक्स। मोदी सरकार की एक ही बात सबके साथ विश्वासघात। मोदी सरकार की एक ही बात सबके साथ विश्वासघात। मोदी सरकार से करायचं काय खाली डोकं वरती पाय। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ मुंबई यूथ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। आज मुंबई के वाशी में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रुबिन थॉमस के नेतृत्व में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और कीमतों को जल्द से जल्द कम करने का आह्वान किया। इस अवसर पर सुविन थॉमस ने कहा कि यूपीए की सरकार के समय पेट्रोल पर 9.5 रुपये और डीजल पर 3.5 रुपये टैक्स था, लेकिन मोदी सरकार ने अब तक 9 बार टैक्स बढ़ाकर 200 गुना टैक्स कर दिया है, इसलिए कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंडर लाकर कीमतों पर रोक लगाए। 2020 में जब क्रूड ऑयल का भाव गिर के $10 हुआ तब भी उन्होंने टैक्स बढ़ाया। आज के डेट में पेट्रोल के ऊपर 200% टैक्स और डीजल के ऊपर 175% टैक्स हम भर रहे हैं। सामान्य जनता को राहत देने का आश्वासन देकर सरकार सत्ते में आई थी, आश्वासन तो छोड़ो, सामान्य जनता का खून पी रही है सरकार आज के डेट में। जीएसटी जो कांग्रेस पार्टी का एक आइडिया था वन नेशन वन टैक्स का, जिसको भाजपा सरकार ने बहुत कन्वीनियंटली लेके तोड़ मरोड़ कर अपने फैशन में पेश किया। हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि जीएसटी के अंतर्गत उन्होंने फ्यूल प्राइसेस को क्यों नहीं लिया है, क्योंकि अगर जीएसटी के अंतर्गत लेंगे तो मैक्सिमम स्लैब अगर 50% भी पकड़ेंगे तो आज के डेट में 55 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल और डीजल का प्रति लीटर भाव नहीं होना चाहिए था। तो हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि सामान्य जनता को राहत चाहिए, लोग ये हाई प्राइसेस में डीजल और पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जल्द से जल्द उनको राहत चाहिए। ये जो एक्स्ट्रा एक्साइज टैक्सेस है वगैरह है उसको सबको सरकार को सब्सिडी देकर प्राइसेस को नॉर्मल रेंज में लाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।